No, the center of town, when we had Hurricane Irene, the whole center of town was... You keep doing it! नहीं कह को पूछा अरे हम देंगे ना लो अब भी देखो Hi guys, Ronvirti here. Welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग सब? तो पिछले दो दिन से जो बारिश हो रही है ना आपको क्या बताऊं, मतलब घर से निकलना असंभव हो गया था. बट आज धूप निकल आई है. इतने बैड न्यूज आ रहे थे न्यूयॉर्क के बारे में. सबवे आधी डूब गई, पानी पूरा भर गया था मैनहट्टन के एरिया में. तो सुबह सुबह डेनविल का जो हमारा ग्रुप है इंस्टाग्राम का, उस पर मैंने कुछ पोस्ट देखे. मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना बनता है. और बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी आ रहा था, रोहन भाई आर यू सेफ? यस. यहाँ पर तो ये जो एरिया हमारा है ये तो एकदम नीचे ढलान है यार, बट फिर भी यहाँ पर पानी नहीं भरा. आई एम सरप्राइज, इतनी सारी लेक्स है, पानी भरा नहीं ज़्यादा. और मैं और रेशमा अभी, हाय रेशमा. हेलो. मैं और रेशमा भी निकल गए. यहाँ पर हमारा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है हनन, सुना है कि उसके बाहर पूरा पानी भरा हुआ है. तो मैंने सोचा कि वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है और आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँगा. ये जो एरिया हम लोग जहाँ पर रहते हैं डेनविल, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी लेकिन पानी यहाँ भरा नहीं है. हाँ, ये जो लेक है इसका पानी ऊपर आ गया है. फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर 24 घंटा रेडी हैं, क्योंकि ये लोग को ऑर्डर मिल चुके हैं कि भाई हमेशा रेडी रहना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है. तो ये वही जगह है हनन रेस्टोरेंट. और यहां पर मैंने आते आते ही देख लिया था गाड़ी में कि पानी कितना भर चुका है. आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखो. हाँ, ये पूरी पार्किंग है यहाँ की, भर गई. और वो देखो वहाँ पर गाड़ी डूब गई. ये देखो गाड़ी डूबी हुई है. इसमें पूरी गाड़ी डूब गई यार. और नॉर्मल ऐसा ही है, ऐसे ही एरिया है, वो सिर्फ थोड़ा नीचे था उस पर पूरा पानी भर गया. आप लोगों को थोड़ा नज़दीक जाके दिखा देता हूँ, ये देखो. अब ये कौन सी गाड़ी है वो मुझे पता नहीं है, बट अभी तो डूब गई है. और भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे थे कि मतलब कितने लोगों के घर भी डूब गए. न्यूयॉर्क सिटी का सबवे जो ट्रेन, उसके स्टेशन भी बहुत सारे पानी के अंदर आ गए थे. बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, बट अच्छा लकीली हमारा जो एरिया था जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मुझे लगा कि वही एकदम नीचे है. न्यूयॉर्क के प्लेटफॉर्म से भी वो पानी गिर रहा था. हाँ, देखा ना न्यूज़ पे. यार ये नेचर जितना खूबसूरत है ना उतना खतरनाक भी है, भरोसा नहीं कर सकते. वैसे ही अब लाइफ का भरोसा भी नहीं कर सकते कि आज है कल नहीं रहेगी. वेरी सैड न्यूज़ के साथ मैं भी सुबह सुबह उठा, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सुना. 40 साल का, सिर्फ हार्ट अटैक आ गया यार. इट्स सच अ सैड न्यूज़ यार. माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड टू हिज फैंस एंड फ्रेंड्स. बहुत ही सैड न्यूज़ है. एंड यस, लाइफ का भरोसा नहीं है, जो भी है यही है. अच्छे से रहो, घर वालों को प्यार करो, दोस्तों के साथ अच्छे से रहो, प्यार बांटो. और क्या, आज है कल नहीं है. क्या पर्सनैलिटी थी लड़के की यार. अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बट जो आगे रोड है ना वो बंद हो गया है, क्योंकि वो जो रॉकवे रिवर है ना वो पूरा स्ट्रीट पे आ गया यार. और मतलब वहाँ से गाड़ी जाना आना अलाउड ही नहीं है. यहाँ तो इतना वर्स्ट नहीं लग रहा है, मतलब जितना लोग बोल रहे थे कि यार बहुत ज़्यादा हो गया है, घर डूब गए, ये हो गया, वो हो गया, इतना ज़्यादा तो ये तो थोड़ा नॉर्मल ही लग रहा है. बट न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा हुआ था. ये देखिए ये जगह है यार, मतलब आगे मत जाना, थोड़ा संभाल के, थोड़ा आस्ते आस्ते ले ले. बट अभी तक ऐसी खबर मिली है कि जान का नुकसान किसी का नहीं हुआ, माल का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा. बाकी देखा जाए तो अंदर अंदर के स्ट्रीट्स में यहाँ पर ज़्यादा पानी वानी नहीं भरा है यार. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बारिश हुई थी यार. रेशमा याद है इधर ही तेरा म्यूजिक वीडियो शूट किया था? Yes. तेरा नहीं, हम दोनों का एक्चुअली. में तू उधर लगा दे, पार्क कर दे इधर, यहाँ से अलाउड नहीं है, रास्ता बंद है. तो आगे पूरा पानी भरा हुआ है. अगर वो पैडल बोर्ड अभी भी होता हमारे पास तो काम आ जाता ना तेरे को. हाँ. कर लेती थी यहाँ पर पैडल बोर्डिंग. फिशिंग कर ले जा. आ भी सकते हैं फिश, या कर ले फिशिंग, बहुत शौक है तेरे को फिशिंग करने का. मैं इधर से जा रहा हूँ. हाँ, मैं मच्छी ढूंढ रहा हूँ. अच्छा खासा पानी भर गया यार यहाँ पर.
मुझे लगा मुझे बोल रहे पुलिस वाले, मैं ऐसी हो गई, उतरू की नहीं ऐसी हो गई। This is the worst year happened in New Jersey? Nah. It's not the worst, right? No, the center of town, when we had Hurricane Irene, the whole center of town was flooded. Oh. This isn't bad. This is not bad, right? No problem. No injuries or nothing, right? But it's not that good either, you know what I mean? I know. Thank you. मतलब यहाँ की मीडिया भी थोड़ा ज़्यादा दिखाती है ओवर करके. New York City is badly hit, is it right? Yup. तो आज के समाचार इस प्रकार है कि जो न्यूज था उसको ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोला गया था. नहीं, बट डेनविल में इतना नहीं हुआ, बाकी तो न्यूयॉर्क. रोहन विर्दी के साथ कैमरामैन रेशमा करके रहा. अभी यार क्या रेशमा की कंप्लेन रहती है कि भाई उसके लिए इंस्टाग्राम की मैं फोटोज नहीं खींचता हूँ, रील्स नहीं बनाता हूँ. तो अभी यहाँ पर हमारी डेनविल लेक है, वहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए कुछ फोटोज़ वीडियोस बनाए जाएंगे. मैं इंस्टाग्राम में अभी बहुत सारी ऐसी रील्स अपलोड करता हूँ, थोड़ा मोटिवेशनल है और थोड़ा सा ऐसा सिनेमैटिक टाइप. अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ उस पर भी कमेंट करना बहुत सारी. चलो भाई अभी हम लोग को जाना है एक शूट के लिए. शूट मतलब जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी के लिए मुझे आज एक शूट करना है, तो वहाँ के लिए हम लोग निकल गए हैं. मेरे साथ रेशमा है और साथ में सुनैना भी सुनैना. तो अभी वो शूट के लिए आना. पाजी की हाल चाल है? ये हमारे पाजी हैं, देख लो कैसे चल रहा है. एकदम बढ़िया चल रहा है. घर पे आया, घर पे आके थोड़ा रिलैक्स किया, वीडियो एडिट किया, थोड़ा टाइम पास, और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से निकल गए और जाएंगे. यहीं से 15 मिनट दूरी है. जाते जाते मैंने सोचा कि थोड़ा गाड़ी में पेट्रोल डाल लेते हैं. ओ पाजी आ जा यार, जल्दी आ, काम महंगा. काम मत जाना कितने, जल्दी आ जा. तो शूट हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी कैसा कोरोना गया है, डेल्टा आ रहा है, ऐसा आता जाता ही रहेगा. तो हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें हम लोग शो कर सकें कि हम लोग कितना प्रिकॉशंस लेते हैं, सैनिटाइज कैसा करते हैं, और हम लोग मास्क पहनते भी हैं जब भी हम लोग अपना काम पे जाते हैं. तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ वीडियो शूट करने के लिए. फटाफट पहुँच गए यहाँ पर और ये रहा सामने टाको बेल और सोच कुछ खा. ये कैब के लिए गाड़ी लॉक करने बोला. गाड़ी क्यों? इनके लिए हमारे लिए नहीं. हेलो, हाउ आर यू गर्ल्स? बढ़िया. इधर हम लोग ऑफिस में आए हैं और ऑफिस में जो मेन आदमी है हमारी बॉस वही नहीं है. जाके टाको बेल से कुछ खा लेता हूँ, कभी तक आएंगी बॉस हमारी मालूम है. तो श्रद्धा जी ने बोला कि 2 घंटे पहले बोला था 1 घंटे में आऊँगी, तो मैं समझ गया कि अभी टाइम लगने वाला है. तो चलो टाको बेल से कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ 4 अंडे और थोड़ा सा वो साबूदाना खिचड़ी जो भी बनाई थी खाई. डाइनिंग ले, डाइनिंग. मैंने लिया चिकन पावर बोल, इन्होंने लिया चिकन कसेडिया, और ये लोग अच्छा है, गुड. खाओ खाओ. और खाते खाते आज मैं क्या शूट करने वाला हूँ वो भी मैं प्लान कर रहा था, और ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि कैसे करूँगा शूट मैं प्रॉपरली. वो मेरे को ना सर्वे करना है तो आपके मोबाइल से सर्वे करना है. आपको मैं देती हूँ, क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं, वो थोड़े कुछ तो नए होते ना कस्टमर. सॉरी, कुछ तो नए एम्प्लॉई होते ना, तो फिर जानते नहीं है. नहीं नहीं, क्या को पूछा? अरे हम देंगे ना, लो अभी देखो, अभी बना. क्या चीज देखो? मैंने बोला बड़ी बात है. वो आंटी जी आई थी, बोली के प्लीज सर्वे करके डाल देना अच्छा कुछ हमारे लिए रिव्यू. ठीक है, ज़रूर डालेंगे. अभी यहाँ रेशमा और सुनैना दोनों डाल रहे हैं, और आंटी इतनी स्वीट है पीछे पड़ गई, कुछ खाना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा. मतलब कुछ नहीं चाहिए, खा लिया. कुछ नहीं चाहिए, बड़ो कुछ तो लाने गई हैं. मतलब ठीक है, ले आओ भाई, जो देना दे दो. अभी खाना नहीं है, पेट भर गया. थैंक यू ज्योति जी. हाँ हाँ, नहीं हम लोग संभाल के, अभी हम लोग यहाँ पर शूट करने आए हैं, शूट करके वापस जाएंगे घर पर अभी. ठीक है, ये ले रेशमा. बाय 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 आंटी. रेशमा की मम्मी थी और वो बोल रही थी कि मैं गांव जा रही हूँ काम के लिए. मैं बोला ठीक है जाओ,
आराम से आओ। वो मुझे बोल रही थी तुम लोग ख्याल रखो, बोला हम लोग अपना ख्याल रखेंगे, आप अपना ख्याल रखोगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग रेडी हो गए अभी शूट के लिए। बहुत सारी डिस्कशन के बाद, शॉर्ट बैकग्राउंड बनाने के बाद वी आर रेडी टू शूट। और अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग आएंगे, वो अपनी गाड़ी रुकाएंगे और उसके बाद गाड़ी से उतरेंगे। इट्स लाइक अ वीडियो ऑन सेफ्टी प्रिकॉशन। इसका वेट कर रहे थे आगे ऑडी लेके, इधर खड़ी ऑडी, और अभी शूट चालू हो जाएगा। मेरा ड्रोन भी इधर रेडी है, तो ड्रोन शॉट ले रहा हूँ पहले। मेरा कैमरा सेटअप आपने देखा कि नहीं देखा, पहले आपको दिखा देता हूँ। फाइनली आई एम डन विद द शूट। बहुत मज़ा आया आज, मतलब जब प्रोफेशनली आप काम करते हो ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और इनफैक्ट अभी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल काम मैं करने वाला हूँ। प्लीज़ व्लॉग्स में बने रहिए, आपको पता लगेगा मेरी लाइफ एक छोटा सा टर्न लेने वाली है। एंड दैट टर्न, वो आपको पता लगेगी मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या स्टोरी है, क्या नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग। बहुत सारे ऐसे नए नए वेज खुल रहे हैं मेरी लाइफ में। आई वॉन्ट यू ऑल टू विटनेस इट एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू गाइड मी ऑल्सो। कभी मैं कुछ अगर गलत भी करता ना तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बता देना कि रोहन आपने ये गलत किया, आपको ऐसा करना चाहिए था। जस्ट बी देयर विद मी एंड एंजॉय माई जर्नी। बस बज रहे हैं, अभी काम खत्म हुआ, अभी सब पैक कर लिया, यहाँ से निकल रहे हैं। भाई जो भूख लग रही है ना अभी मेरे को, जबरन भूख लग रही है। कितने बजे खाया था वो? 3:30 बजे। उसके बाद अभी 10 बज रहे हैं और मेरा मुंह भी सूख रहा है एकदम, इतनी भूख लगी है मुझे। अभी क्या एक गलती हो गई है, घर पे मैंगो कुक दोनों अकेले हैं और हर 6 घंटे में मैंगो को खाना खिलाना रहता है। अभी आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाएगा ना, वो जान ले लेती है बर्ड, वो बहुत क्यूट है। तो फटाफट भाग रहे हैं, पहले जाके उसको खाना वाना खिला देते हैं। भाई कुकू क्या, वो बड़ी हो गई है, वो एप्पल वगैरह खा लेती है जो भी वहाँ पर रख के जाते हैं। इसको थोड़ा चर्बी है, इसको देखा रहेगा आपने, हाथ से ही खाना खिलाते हैं ना, तो जाते फटाफट उसको पहले खाना खिलाते हैं, बाद में खुद की पेट पूजा करता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे तो। मैंगो, हाय बेबी, आर यू ओके? क्या खाया, क्या खाया, मुंह में क्या लगा हुआ है, क्या खाया? सच्ची बता, सच्ची बता, क्या खाया बता, पेट, पेट तो खाली है, बताइए आप। अरे अरे अरे, खाना चाहिए बाबू, आ जा। नहीं आना भी नहीं है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो नहीं आ रहा, वाह गुस्सा तो नहीं आ रहा है। नहीं उधर ही बैठ, तू खाना लेके आ रही है, खाना खा ले। ओके खाना खाना, घर पे ये लोग अकेले हैं, इनको खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बैंड बजा देंगे। हाँ क्या हुआ, चल खाना खा लो भाई खाना। अरे अरे अरे, भर ले फटाफट इंजेक्शन, भर ले उसको दे। अरे अरे अरे, उल्टा लटक गई। हाँ अरे, बैठ जा। हाँ I'm giving you, उसको इधर रख, उसे मेरे को दे दे। हाँ ले, तू खा, इसको देख। बापरे, अरे बापरे, रुक जा, दे रही हूँ। अरे आराम से रेशमा, आराम से। इधर खा रही, उधर खा रही। ये देखो भाई, ये मेरा डेस्क, मतलब कितनी बार भी मैं साफ करूं और सोचूं कि इसको मैं टाइडी रखूंगा, क्लीन रखूंगा, बट पता नहीं यार, होता ही नहीं है मुझसे कि यार कुछ ना कुछ आते जाते इधर उधर रख देता हूं, और फिर मैं बाद में आके इधर बैठता हूं और सोचता हूं एडिट करूं। अभी जैसे एडिट कर रहा हूं, वो पहले साफ़ करूं कि पहले एडिट ख़त्म कर लूं, तो फिर मैं एडिट ख़त्म कर ही रहती है मुझे, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है टाइम पे। अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगी तो फिर आप लोग के मैसेज आने चालू होते हैं कि भाई वीडियो क्यों नहीं आई। और ये देखो मेरे पीछे मेरा गिटार पड़ा हुआ है, बहुत मिस करता हूँ म्यूज़िक मैं, मतलब अभी पहले मैं जितना गिटार प्ले करता था, मेरी सिंगिंग प्रैक्टिस करता था, उतना कर ही नहीं पाता हूँ। बट नो रिग्रेट्स, करेंगे, अपना टाइम आएगा और करेंगे, अच्छे से करेंगे। एंड दैट्स, वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी करके आना। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ बी सेफ। बाय बाय।